ये है ऑनर 7X स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत शुरू होती है 12,999 रुपए से। ये हैंडसेट मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। अमेज़ॉन पे कुछ ऑफर्स चल रहे थे, उसके तहत मुझे ये हैंडसेट पड़ गया तकरीबन 11,800 रुपए के आसपास। देख सकते हैं कि मैंने ब्लू वेरिएंट का 7X ख़रीदा है। इस वीडियो में मैं इसी हैंडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ऑनर 7X का बॉक्स पैक। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। उसके पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो ऑनर 7X है ये फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आता है। 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज है पीछे की तरफ। 3340 mAh का बैटरी है और जो हार्डवेयर का जो स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के ऊपर काफ़ी हद तक क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये हैंडसेट जिसका नाम है ऑनर 7X। ये है ऑनर 7X, दिखने में काफ़ी प्रीमियम है। फिलहाल तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। ये ब्लू कलर वेरिएंट मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से और यहाँ पर देख सकते हैं सार वैल्यू भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। बॉक्स की पैकिंग थोड़ी सी अलग है। सिम ट्रे इजेक्टर पिन यहाँ पर है और ये है क्विक स्टार्ट गाइड, ये है हुआवे वारंटी कार्ड और यहाँ पर इस प्लास्टिक के अंदर आपको मिलेगा एक सिलिकॉन केस जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट कलर का है, तो हैंडसेट ब्लू कलर का है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो ब्लू कलर आपको फिर भी दिखेगा। बॉक्स के अंदर आपको ये डेटा केबल भी मिलता है। ये USB टू माइक्रो USB डेटा केबल है और जो अंतिम कॉन्टेंट बॉक्स के अंदर है वो है ये ट्रैवल चार्जर और इस ट्रैवल चार्जर की रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स। तो बस ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस ऑनर 7X के बॉक्स के अंदर। ये है ऑनर 7X, दिखने में ये काफ़ी आकर्षक है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है और ऐसा लगता नहीं है कि ये 12,999 रुपए का स्मार्टफोन है। जो कैमरा मॉड्यूल है पीछे की तरफ देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाहर की तरफ है, डुअल कैमराज है पीछे। ये मेटल बॉडी है और ब्लू कलर का इस पर मैट फिनिशिंग है। आगे से भी ये काफ़ी आकर्षक है, हर एक एंगल से आपको एक प्रीमियम फील मिलेगा। पीछे मैट फिनिशिंग है, स्लिपरी नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और जैसा कि मैंने कहा ये जो कैमरा का मॉड्यूल है, जो लेंसेज है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। राइट हैंड साइड पर पावर और वॉल्यूम रॉकर बटन है, ये देखिए पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ आपको मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वहाँ पर है सिम ट्रे और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीकर आउटपुट, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और ये है 3.5 mm ऑडियो जैक। इस हैंडसेट को मैंने स्विच ऑन कर दिया है और इसका जो स्क्रीन है ये है 5.93 इंचेस का, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 18:9 का है और उसके कारण जो स्क्रीन है जब आप इस हैंडसेट को पकड़ते हैं हाथ में तो इतना बड़ा नहीं लगता है। इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है पीछे की तरफ जो कि काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पावर का बटन मैंने बंद कर दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर पे जब मैं टैप करता हूँ देखिए किस तरीके से स्क्रीन जो है ये स्विच ऑन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट है और फास्ट भी है। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस और इस पर 2.5D कर्व्ड ग्लास भी है जो एक अलग ही प्रीमियम फील देता है। अगर आप प्राइस कंसिडर करें तो उसके हिसाब से जो लुक एंड फील है वो बहुत ही बढ़िया है। ये जो सिम ट्रे है इसे मैं इजेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ये हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब कि आप 2 नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 सिम्स डाल दिए हैं, 2 नैनो सिम्स डाल दिया है, उसमें से 1 जियो सिम है और देख सकते हैं कि जियो काम करता है, वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है। यह है डायलर, यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब कि दोनों ही सिम कार्ड से आप डायलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिखा, फिलहाल तो नहीं दिखा। इसमें किरीन 659 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और सेंसर्स की अगर बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट, मैग्नेटिक और स्टेप काउंटर है। इसमें जायरो सेंसर मिसिंग है।
ये हैंडसेट EMUI 5.1 का इस्तेमाल कर रहा है जो एंड्रॉयड नॉगेट बेस्ड है। होम स्क्रीन का जो सेटिंग है उसमें आपको ड्रॉवर का भी ऑप्शन है अगर आपको वैसा स्टाइल चाहिए तो। और उसके अलावा ये देखिए, ये है पूरा सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऐप ट्विन। इसका इस्तेमाल करके आप दो अकाउंट्स कर सकते हैं, जैसे कि दो व्हाट्सएप अकाउंट, दो फेसबुक अकाउंट्स इस हैंडसेट पर। एप्लीकेशन लॉक की भी सुविधा है। मैंने ऑलरेडी जीमेल को लॉक कर दिया है। बता देता हूँ कि जब मैं जीमेल एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करूँगा तो ये लॉक स्क्रीन आ जाएगा, मैं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें आई कम्फर्ट का भी ऑप्शन है। ये देखिए आई कम्फर्ट, और अगर मैं इसे एनेबल कर दूँ तो देखिए स्क्रीन किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप आई कम्फर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स है और उसका जो स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, जैसे आप कंफर्टेबल समझे। इस हैंडसेट में एलईडी नोटिफिकेशन है और वो इस तरीके का दिखता है। अब मैं एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूँ, चेक करते हैं कि OTG सपोर्ट करता है या नहीं। OTG सपोर्टेड है, आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव इस हैंडसेट पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस हैंडसेट की एक और खास बात यह है कि इसमें डुअल कैमराज है, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज पीछे की तरफ, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 3,340 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी। मैंने इस हैंडसेट का उपयोग करके कुछ शॉट्स लिए थे कुछ ही समय पहले, और जो डुअल कैमराज की जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरे मन में उसके हिसाब से तो जो शॉट्स है वो इतने कुछ खास नहीं आए। बेहतर होगा कि आप पूरा रिव्यू का इंतज़ार कीजिए। मैं अब भी कैमरे की टेस्टिंग कर रहा हूँ, कल मैं पूरा रिव्यू लेके आऊँगा और उस वीडियो में आपको इस हैंडसेट का जो परफॉर्मेंस है, गेम्स कितने स्मूथली चलते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है और बैटरी लाइफ कैसी है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।